असम का तीरंदाजी संघ 18वीं सीनियर लड़के एवं लड़कियां इंटर डिस्ट्रिक्ट तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022-23 द्वारा आयोजित इसके सहयोग से आर्य विद्यापीठ कॉलेज स्वायत्त दिनांक 28, 29 और 30 मार्च 2024 कामरूप एवं जिला तीरंदाजी एसोसिएशन स्थान आर्य विद्यापीठ कॉलेज खेल मैदान। देखिए हम लोग तीन कैटेगरी से खेला होता है, इंडियन राउंड, कप एंड कंपाउंड। इंडियन राउंड का 120 वजन ग्रांड, रिकाप का 60 और कंपाउंड का 40। सभी अभी इंडियन राउंड तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में 8 पार्टिसिपेंट किया है, गर्ल्स 4 और मैन 4। रिकाप में सेम हम लोग को देखिए HSB जो तेजपुर में है, नॉर्थ NFI जो आपको रेलवे में हम लोग का एकेडमी है, वो सबका आसाम पुलिस का ये तीन यूनिट से हम लोग का पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोग का? हमारा नाम जयंत बरु। जयंत बरु ऑर्गेनाइजर एंड फुटबॉल प्लेयर। हम देखिए हर सारे ऐसे 99 में आए, 1999 2007 तक हम कामरूप डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट, उसके बाद 2007 से 2000 तक हम आसाम का प्रेसिडेंट और यार थोड़ा याद किया टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए, और 24 में हम जनरल सेक्रेटरी हम अंदर में, और हम लोग का प्रेसिडेंट माननीय आसाम पुलिस का संचालक सिंचर है। हम लोग का 22 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें देखिए इंडियन राउंड का 120, रिकाप का 60 और कंपाउंड का 40। टेस्ट चलेगा तीन के लिए बहुत हम लोग का। देखिए इंडिया राउंड का आज और कल 28 और 26 12 बजे तक हम लोग का खत्म हो गया, उसके बाद 29 को हम लोग का रेबल आएगा, यह आएगा जो रिकाप और कंपाउंड, उसके बाद 30 को हम लोग का जो रिकाप कंपाउंड का खेल होगा उसमें इवनिंग हम लोग खत्म हो जाएगा। आपका जो हम लोग का आसाम का देखिए आसाम में ओलंपिक का छोड़ के हम लोग सब कम इधर एशियन गेम में है, वर्ल्ड चैंपियंस में कैटेगरी सपोज कैडेट हो सीनियर हो, हाँ सिर्फ हम लोग का ओलंपिक पार्टिसिपेंट किया है हम लोग आसाम का प्लेयर, लेकिन मेडल नहीं, और इंडिया में भी अभी तक मेडल नहीं, लेकिन जितना भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट है उसमें हम लोग का जो आसाम का प्लेयर सबका मेडल है। 26 तो हम लोग का इंटरनेशनल मेडल विनर है आसाम में। पहले हम आप लोग को न्यूज़ जो आया है लेने के लिए हम स्वागत करता हूँ एसोसिएशन के तरफ से। मैं पहले आसाम ऑल आसाम आर्चरी एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट मृदुल कुमार मेधी एंड कामरूप मेट्रो डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएशन से हम सेक्रेटरी तरफ से आप लोग को पहले स्वागत करता हूँ कि हमारा इधर में जो 18 सीनियर बॉयज एंड गर्ल इंटर डिस्ट्रिक्ट आर्चरी हो रहा है चैंपियनशिप, इधर में 22 डिस्ट्रिक्ट इधर में जुड़े हुआ है लड़का लड़की, एंड इंडियन राउंड जो खेल रहा है आज इधर में प्लेयर 120 एंड काल एंड परसो जो प्लेयर आ रहा है उधर में भी 60 एंड 40 जुड़ा हुआ है। टोटल तीन दिन में प्लेयर 220 लगभग 220 प्लेयर इधर में खेलेगा 22 डिस्ट्रिक्ट का तरफ से। ये हम आप लोग को बताया जा रहा हूँ, ये जो 18 सीनियर आर्चरी एसोसिएशन आर्चरी चैंपियनशिप हो रहा है ना, ये बड़ा हम मुसीबत से ये वेदर जो है बहुत वेदर एंड पब्लिक बहुत ये हम मैं बहुत दिन से ये कोशिश कर रहा हूँ अच्छा करने के लिए। इधर में हमारा जो DGP सर है प्रेसिडेंट ऑल असम आर्चरी एसोसिएशन DGP सर ने सहायता किया है, और इधर में जो लोकल आर्जो कॉलेज का प्रिंसिपल आर्जो हाई चंद्री का प्रिंसिपल एंड पब्लिक लोकल
सब ये खेल के शायद हम लोग का किया है सबको। हम ये हमारा एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। गवर्नमेंट हमको सहायता करता है, ये जो लड़का लड़की इधर में फर्स्ट सेकंड गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा वो लोग का प्लेयर सबको, और हमारा असम गवर्नमेंट में 12,000, 10,000, 8,000 ये स्टाइफेंड ये मिलेगा। नेशनल प्लेयर भी इधर में योगदान किया है, जो नेशनल में मेडल मिला है वो प्लेयर भी इधर में योगदान किया है, ये हमारा तरफ बहुत सौभाग्यवान है हम लोग। अरे ये बहुत ये बात है, ये हमारा असम गवर्नमेंट जो है हम लोग को सहायता करने पड़ेगा। ये जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट एंड कोच एंड फील्ड, ये सब जॉब नहीं मिलेगा एक साथ में। इक्विपमेंट फील्ड एंड कोच तीनों एक साथ में जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये ओलंपिक जाने के लिए हमारा असम का जो लड़का रहता है मेडल जीतने का ये बहुत टाफ है। तो ये आप है क्या है, हमारे एसोसिएशन का तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूँ कोच दूसरा स्टेट से हम लोग ले करके उसको 30 देने के लिए हम लोग बहुत बार कोशिश किया है। हमारा आशा है ओलंपिक जरूर मिलेगा, हमारा एसोसिएशन की तरफ से हम ये बात बोलने सकता हूँ। जो नेशनल आप सॉरी नेशनल और ओलंपिक में तो नेशनल तो जो हमारा जितना असम का जितना रिक्वायरमेंट है सब लोग पार्टिसिपेट करेगा, जितना जितना ये पोस्ट है खेलने के लिए सब आदमी ये लड़का लड़की इधर में पार्टिसिपेट करेगा। ये 28 से आज से शुरू हुआ है सुबह 7:30 बजे से और शनिवार तक ये कंटिन्यू रहेगा 7:30 बजे से 5 बजे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा।